पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। हे पवित्र आत्मा के सम्मान से शान से स्वर्ग के सम्मान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साय में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमेन। पश्चाताप की प्रार्थना है। परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ हैं, प्यार के सुयोग हैं। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमेन।
संत पापा के उद्देश्य के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दें और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। माता मरियम से प्रार्थना, तेरे शरण में हम दौड़ते हैं परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवे, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में घिरने के दुर्भाग्य पहले उठ सके, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सास के साथ संस्कार के प्रभावों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना कृत कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हों, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता करे नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी इस मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमेन। धन्यवाद और निवेदन। धन्यवाद देते हैं व्यक्ति जिनको पीड़ा से छुटकारा मिला, मुक्ति मिली है, कैंसर से मुक्ति मिली है, इसके लिए धन्यवाद। नौकरी मिली है, इसके लिए धन्यवाद। जीवन साथी मिला है, इसके लिए धन्यवाद। एक नाक का ऑपरेशन अच्छी तरह से हुआ है अबू धाबी में, इसके लिए धन्यवाद। नॉर्मल डिलीवरी हुई एक बच्चे की, इसके लिए धन्यवाद। केमो थेरेपी अच्छी तरह से चल रही है, इसके लिए धन्यवाद। बहुत सारे वरदान मिले हैं, इसके लिए धन्यवाद। कोविड 19 से मुक्ति मिली है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। एमआरआई टेस्ट जो है नॉर्मल आ गए हैं, इसके लिए धन्यवाद। ड्राइविंग लाइसेंस यूके में मिला है, इसके लिए धन्यवाद। एक अच्छा घर मिला है, इसके लिए धन्यवाद। फिर एक बार जहाज में जाने के लिए परमिश मिला है, प्रोन मिला है, इसके लिए धन्यवाद। दुबई में अच्छी नौकरी मिली और प्रमोशन मिला है, इसके लिए धन्यवाद। 25वां सालगिरह शादी का मना रहे हैं, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और बहुत सारे वरदान माता मरियम से मिले हैं, इसके लिए एक परिवार धन्यवाद देते हैं। कुछ निवेदन इस प्रकार से हैं, मेडिकल टेस्ट क्लियर हो जाएं, इसके लिए एक निवेदन आया है। कनाडा का वीज़ा मिल जाए, इसके लिए निवेदन है। टॉन्सिल ऑपरेशन अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए एक निवेदन आया है। यूट्रस का ऑपरेशन होने वाला है,
वो अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए एक निवेदन आया है। एक प्रेगनेंसी बहुत कठिन है, अच्छी तरह से हो जाए इसके लिए एक निवेदन। अच्छा जीवन साथी मिलने के लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है। ब्रेन स्ट्रोक से मुक्ति मिले इसके लिए एक निवेदन आया है। एक व्यक्ति चल नहीं पाता है, उसको जल्द से जल्द चलने के लिए शक्ति मिल जाए इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। ईसीजी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाए इसके लिए निवेदन आया है। कुछ दस्तावेज गुम हो गए हैं, वो मिल जाए इसके लिए निवेदन आया है। बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इसके लिए बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा है कि उनके लिए हम प्रार्थना करें ताकि वो जो पढ़ाई किए हैं अच्छी तरह से उनकी पढ़ाई हो जाए। एक व्यक्ति चाहता है उसको स्ट्रोक से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाए। एक व्यक्ति चाहता है कि बहुत बार उनको थकावट महसूस होती है, नींद नहीं आती है, तो ये दो चीज़ों से उनको राहत मिल जाए इसके लिए वो निवेदन कर रहे हैं। ल्यूकेमाइसिस पीड़ित एक व्यक्ति चाहता है कि उसको चंगाई मिले। कुछ गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, पत्थर हैं, इसके लिए निवेदन आए हैं उसको मुक्ति मिल जाए। सेफ डिलीवरी के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना किए हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी के लिए एक व्यक्ति ने निवेदन किया है, उसकी सर्जरी अच्छी तरह से हो जाए। अच्छी नौकरी मिलने के लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है। एक व्यक्ति के जॉइंट पेन हो रही अर्थराइटिस है, उनको वो चाहता है कि अर्थराइटिस से उसको मुक्ति मिले। रेटिना प्रॉब्लम से मुक्ति मिलने के लिए व्यक्ति ने निवेदन किया है। घर में सुख शांति हो और वैसे ही कामकाज में मन अच्छी तरह से लग जाए इसके लिए प्रार्थना करते हैं। टीबी से पीड़ित एक व्यक्ति मुक्ति चाहता है। हर्निया एवं हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन अच्छी तरह से हो जाए इसके लिए निवेदन आया है। ब्रेन में कुछ क्लॉट्स है, वो निकल जाए इसके लिए निवेदन आए हैं। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते समय हम भी विशेष प्रकार से प्रार्थना करें कि विश्व भर में जो अशांति हो रही है, लड़ाई हो रहे हैं, वो रुक जाए और यूक्रेन में सभी लोगों को ऐसे पूरे विश्व भर में शांति हो, शांति के लिए हम प्रार्थना करें। कोविड से पूरी तरह से हमको मुक्तिता मिले इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। खास कर इस सप्ताह में जिनके जिनके ऑपरेशन होने वाले हैं वो ऑपरेशंस अच्छी तरह से हो जाएं, इनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हम सब मिलकर नवीन के प्रार्थना करें। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं, हमें देख। हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारे भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता करें, हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं तेरे सच्चे सेवक के रूप में। हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सकें। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तो हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं हम, प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होए इसलिए हमारी सहायता कर। आमेन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन। हे नित्य सहायक माता,
हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम अरिया कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमेन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमेन। हे संत मरिया भोगों की सहायता कर, विश्वासहीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी की मध्यस्थन बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्राइस्ट, तूने अपनी माता को हमारी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं, जो युगान युग जीता और राज्य करता है, आमेन। छोली में उसकी डाली है तूने।
खुशियाँ हजार। गोरी में उसकी लाली ने तुम्हें खुशियाँ हजार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में। चालीसी काल की शुरुआत आज से हो रही है और ये चालीसी काल जो है मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये विशेष काल हमारे लिए बनाया है कलीसिया ने, क्योंकि 40 दिनों में हमको एक अवसर मिलता है कि हम अपने जिंदगी पर विचार विमर्श करें, हम हमारे ज़िंदगी पर देखें कि हमने क्या किया है, हमारी ज़िंदगी कैसी चल रही है, मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर मुझे क्या बदल लाना है। तो कलीसिया हमको ये 40 दिन देता है और इस 40 दिन में हम लोग पश्चाताप करें, अपने जीवन को बदलें और फिर भी एक बार यीशु के पथ पर चलने के लिए हम कोशिश करें। जब ये व्यक्ति 40 काल को देखता है, उसके मन में एक विचार आता है, वो सोचता है कि कब ये 40 दिन निकल जाएंगे और फिर हम एक बार खुशी मनाएंगे। लेकिन यदि हम गौर से विचार करें, ये 40 काल जो है ये अक्सर में आनंद काल है। हम आनंद इसलिए मनाएंगे ताकि हमारे ज़िंदगी को हम बदलने वाले हैं। तो इस काल के दौरान जब हम विशेष प्रार्थना करेंगे, जब हम उपवास करेंगे, जितने मोह आते हैं उसे हम हटा देंगे, तो केवल 40 काल के लिए तक नहीं, उसके लिए केवल सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस रवैया को हमारी ज़िंदगी में हम बदलें और अपना नया ज़िंदगी शुरू करें। इस आनंद से इस काल को हमें मनाना है। तो इस प्रायश्चित काल में हमको क्या करना है? कई लोग कहेंगे कि मैं सिगरेट पीता हूँ इसलिए बंद करूँगा, दारू पीता हूँ इसलिए बंद करूँगा। कोई कहेगा कि नहीं, मैं भोजन बहुत करता हूँ इसलिए कम करूँगा। इन चीज़ों पर मैं अपने नियंत्रण बनाए रखूँगा। तो इस प्रकार से हम लोग सोचते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन हमारे मन में एक ही सोच रहती है, एक केवल 40 दिन के लिए, और उसके बाद में जैसे मैं आदि में था अब रहूँगा और सदाकाल ऐसे ही बनो रहूँगा। तो इस प्रकार से हमारी भूमिका होती है। हर साल में 40 दिन हमको दिया जाता है, लेकिन किस प्रकार से हम उसका उपयोग करते हैं और कैसे हम अपने ज़िंदगी को बदलते हैं, इसके बारे में हम लोग गौर करना चाहिए। सबसे पहले मैं अपने ज़िंदगी को देखूं, सोचूं कि मैं अपने ज़िंदगी जिस प्रकार से चल रही है उसे मैं संतुष्ट हूं या उसको मैं बदलना पसंद करूं। जब मेरे मन में ये विचार आता है कि नहीं, मुझे इस ज़िंदगी को बदलना है, तो हम कैसे बदलें? प्रभु हमको मदद करता है। यदि हमने निश्चय लिया है कि मुझे शराबीपन से दूर रहना है, मैं शराब पीता हूँ इसके लिए मुझे बंद करना है, तो प्रभु ने मुझे अवसर दिया है, मैं प्रार्थना करूँगा प्रभु से, हे प्रभु मुझे ये ज़िंदगी को बदलना है, आप मुझे शक्ति प्रदान कर।
हो सकता है कोई निर्णय लेगा कि पर्यावरण के बारे में मैं कभी सोचता नहीं हूँ, मैं प्रदूषित करता हूँ, तो मैं अपने रवैये को बदलूँ। हमेशा मैं कार पर जाता हूँ, स्कूटर पर जाता हूँ, तो क्या मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकता हूँ? ये मन में हम लेकर आ सकते हैं। मैं 3 बार भोजन करता हूँ और कभी कभी मैं भोजन वेस्ट करता हूँ, खराब कर देता हूँ, क्या मैं सोच सकता हूँ कि नहीं, इस 40 साल में और उसके बाद में भी मैं अपने इस रवैये को बदलूँ और सोच विचार करूँ कि भगवान ने मुझे जो रोटी दी है उस रोटी का इस्तेमाल मैं सही ढंग से करूँ। और इस प्रकार से जब इंसान अपने ज़िंदगी को बदलता है तो उसके मन में एक आनंद निर्माण होता है कि मैंने केवल 40 दिन तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि प्रभु के कृपा से मैंने अपने रवैये को बदला है, अपनी ज़िंदगी को बदल डाला है। जब मैं अपनी ज़िंदगी को बदलता हूँ तब सामने वाला भी बदल जाता है, दुनिया बदलती है। और इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस प्रायश्चित काल में हम ये न सोचें कि एक बड़ा बोझ कलीसिया हम पर डाली है, लेकिन ये सोचें कि कलीसिया हमको एक अवसर देती है कि इसका उपयोग हम करें। 40 काल जब सब अवतरण होता है प्रार्थना करने का, हम प्रार्थना में भाग लें, हम विशेष प्रकार से प्रायश्चित करते रहें और इस प्रायश्चित में मेरा जीवन बदल जाए, इसके लिए हम विशेष वरदान प्रभु से मांगते रहें। आज से ये काल शुरू हुआ है, केवल उपवास ही नहीं करना है बल्कि अपने ज़िंदगी पर ध्यान रखते हुए मेरे लिए क्या योग होगा, क्या योग्य होगा, इसके बारे में सोचते हुए हम अपने ज़िंदगी को बदल डालें। आमीन। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। ओ कुवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनंती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति, दयावन प्रभु जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयां अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो हर एक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्देशित करो, अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो, अपने शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ रहें और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्ग राज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरिया की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें, वो आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें,
वो आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए, वो आपके पीछे रहे और आपको संभाले, वो आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता के मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, वो आप पे उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहे। आमेन। मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी।
हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है, आमेन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मौल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरज दाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्गमन, धन्य उसका प्रथापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।